पर्यावरण कॉम्प्लेक्स साइदुल्ला अजब, साउथ दिल्ली। महरौली के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में नवजात बच्चे के शव मिलने से सनसनी। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण दिल्ली जिला में पिछले दो दिन से लगातार नवजात के भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है। जहां कल अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र इलाके में एक नवजात का भ्रूण मिला था, तो वहीं आज दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र इलाके के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में एक बच्चे के भ्रूण मिलने से इलाके में लोग हैरान हैं। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महरौली थाने में PCR कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि जब हमने शिविर का ढक्कन खोला तो उसमें 15 से 6 महीने के बच्चे की डेड बॉडी निकली है। सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पर्यावरण कॉम्प्लेक्स इग्नू रोड, सदर बाजार, नई दिल्ली। पुलिस पहुंची, इसके बाद क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, इसके बाद जांच की गई और बच्चे के शव को एम्स अस्पताल की मोर्चुरी में रखवा दिया है और पुलिस की तरफ से आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर उस बच्चे की भ्रूण को किसने फेंका था। पुलिस जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी अच्छी कॉलोनी में इस तरह की घटना से लोग सन्न रह गए हैं कि आखिर हमारी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी में इस तरह की घटना हो गई। मैं रविंदर सिंह, RW अध्यक्ष, पर्यावरण कॉलोनी से। जो कॉलोनी में घटना हुई है कल, वो बहुत दुखद घटना है और हम लोग काफ़ी RW मेंबर और कॉलोनी के लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने फ्लैट लेकर यहाँ पर किराए पे दे दी हैं और उनकी कोई जांच नहीं कराते कौन कहाँ से आए हैं, और जांच ना होने के कारण वो नाजायज यहाँ काम होते हैं। और उसके बाद जो ये हरकत हो रही है, जो पहली बार कॉलोनी में हुई है, इसको हम सीरियस ले रहे हैं। अगर हमें कैमरे दिल्ली सरकार नहीं लगाएगी तो हम खुद लगाएंगे कैमरे और इसकी जांच हम कराएंगे और कमिश्नर साहब तक हम इसकी चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इसकी जांच करी जाए, ये हरकत कैसे हुई और कौन बच्चा था वो। बड़ी दुखद घटना है, इस तरह से अच्छे समाज में, इतने बढ़िया कॉलोनी के अंदर ये होना एक हमारे लिए बड़ा शोक है कि इतने बढ़िया मेंबर और इतनी बढ़िया कॉलोनी के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके बीच में कोई किराए पे दे देता बगैर जानकारी के कौन आदमी है कौन नहीं है। वो भी हम सर्वे कराएंगे पूरी कॉलोनी का और देखेंगे कौन सी कॉलोनी में कौन कौन रह रहा है, और उसके बाद जो भी एक्शन लेना होगा हम मेंबर लेंगे। चला ये बच्चा इसके अंदर, गटर के अंदर ये ब्लॉक इसको वो खोलने के लिए आए थे, गाड़ी आई थी, जल निगम की गाड़ी आई थी। उस गाड़ी के ड्राइव जो हेल्पर था, वो हेल्पर ने ये ढक्कन खोला है। ढक्कन खोलते ही जो है उसके ऊपर वो बच्चा मिला है उसको। अच्छा, क्या ढक्कन डेली खुलता है क्या? ढक्कन नहीं, ढक्कन बंद रहता है। क्या लगता है कई दिनों ये नाली यहाँ पर, ये जो है ना 84 नंबर, इसमें बेसमेंट में जो अंदर पानी घुसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए वो नाली ब्लॉक थी, उसको खोलने के लिए। रेनू ठाकुर, क्या देखा आपने? मैंने देखा यहाँ पे सुबह ही देखा था, ये बच्चा जो ये गटर खुलवाया गया, ये ब्लॉक था, जैसे ही खुलवाया तो इसके खोलते ही, ढक्कन खोलते ही बच्चा था, ऊपर ही तैर रहा था। तो फिर उन्होंने निकाल के रखा, फिर पुलिस आई है तो बच्चा ले गए एक बॉक्स में डाल के, डेड था पर बेटा था। टाइम मतलब 11:30, हाँ 11:30 के करीब। जी, क्या लगता है किसी ने फेंका होगा क्या? जी फेंका हुआ। मेरा नाम सरोज वर्मा है, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहते हैं हम सभी लोग। हमारे साथ में हमारे प्रेसिडेंट हैं, RW के प्रेसिडेंट रविंदर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर, और मैं भी RW की मेंबर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी काम देखती हूँ। कल हमारे यहाँ पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में B ब्लॉक B84 के गटर के पास एक नवजात बच्चा मिला, जिससे हम लोग काफ़ी अपसेट हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में कैमरों का इंतज़ाम किया जाए। कैसे पता चला आपको उसके बारे में? क्या यहाँ हमारे बीच में हमारे बीच में रेनू है, रेनू का मुझे मैसेज आया, मैंने तुरंत जैसे इसका मैसेज आया, मैंने कहा रेनू ये क्या है, कहाँ है कि ये B84 में, तो तुरंत मैं यहाँ मैंने इसको कहा पुलिस बुला और मैं आ रही हूँ, तो इसने पुलिस बुलाई और पुलिस बुला के उस हालत में था बच्चा। बच्चा मरा हुआ था, उसकी जो नाल वगैरह सब जुड़ी हुई थी, लेकिन बच्चा पूरा बच्चा था, जैसे 9 मंथ का बच्चा होता है इतना ही बड़ा था, लड़का था। कुछ पता चल सका अभी बच्चे के बारे में कहाँ से क्या? नहीं, कुछ नहीं पता चला, हमने काफ़ी कोशिश करी है, नहीं पता चला है। लेकिन अभी हमारे बीच में हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि रात को कोई इसी बिल्डिंग से
रात को 8 बजे अपना सामान पैक करके यहाँ से गए हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यू टाइम्स को, और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।